आके बोलता है सागर ये रूम अच्छा है ना, कहाँ से बहुत बढ़िया है, कहाँ से कुछ कहानी है इससे रिलेटेड सुनिए, बहुत बढ़िया भाई सागर। तुमने देखा नहीं, अब अंदर ऊपर चढ़ के देखो जरा, इसका तो ब्लॉग बनेगा भाई। हाँ भाई ब्लॉग बनेगा इसका, स्टार्टिंग से सुनाता हूँ भाई। नहीं नहीं तो तुम लोग मत सुनना, हाँ बोलते रहना बस। हाँ भाई हाँ, अबे साला मैं पूरी स्टोरी डिटेल में सुनाता हूँ। देखो भाई मैं यूज वाली देख, तीन तीन चार चार बजे तक रात में सोता हूँ, पूरी विंग में मां किया रहता हूँ जो जागते रहता रात रात भर। तो मैं भाई कल रात में टॉयलेट गया 3 बजे उठ के, एडिटिंग कर रहा था, ब्लॉग व्लॉग अपलोड किया मैंने, ठीक है पब्लिश के लिए लगा दिया। मैं टॉयलेट गया, टॉयलेट में मैंने देखा भाई कॉर्नर वाली जो कमोड वाली वेस्टर्न वाली टॉयलेट जो है ना वो भाई बंद। तो मैंने सोचा कि बैठ के कोई हो सकता तो इसे मैं म्यूट कर दूंगा। मुझे लगा भाई एंटर करते हैं क्योंकि बंदा वो एक ही मात्र बंदा है जो बैठ के वहां पे बैठाना पड़ेगा, तो मैंने कहा भाई वो एकमात्र बंदा है। हालांकि रात में भी लगा था अभी भी लगा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा। तो मैंने एक बार नॉक किया ठीक है ना, फिर मैंने दूसरी बार किया, तीसरी बार किया, चौथी बार भाई मैं 5 मिनट तक नॉक करते रहा। 5 मिनट तो नहीं मतलब मैंने बहुत अच्छा मतलब ये ड्यूरेशन तक नॉक किया था, 1.5-2 मिनट तक मैं खड़ा रहा मैं बाहर। मैंने कहा भाई कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। अब मैंने इस इंटेंशन से नॉक किया था, मैंने कहा भाई देख तो लूं गया कौन नहीं है कॉलेज, एक साथ मिल जाए तो साथ में जाऊंगा कॉलेज। फिर उसके मैंने कहा मेरे अलावा और कौन नहीं गया कॉलेज, मैंने बाकी सब तो रूम लॉक सब गए। तो भाई मैंने फिर क्या किया, मैंने देसी वाली में मस्त फ्रेश हो लेते हैं पहले, भाई मैं फ्रेश हो लिया ठीक है ना भाई, आके मैंने हैंड अनबॉक्स कर ली मस्त। देन उसके बाद भाई मैंने तब भी देखा गेट लॉक, अब मैंने कहा भाई अब मेरे मन में थॉट आया कि भाई कुछ लफड़ा है, गुमनाम है, मैंने कहा कुछ चल रहा है। मैंने कहा भाई ये मैंने कहा अभी स्टोरीज चल रही है शान के रूम में भाई, वो पिसाज विसाज वाली भूत वूत पता नहीं उनको इनहेलर दिख रहा है रूम में, बॉटल वॉटल दिख रही है कहीं भाई, गर्ल्स हॉस्टल में रूम लॉक हो जाता है चाबी अंदर पड़ी मिलती है, ये क्या सीन है भाई। बट मैं स्टिल उन पर बिलीव नहीं कर रहा था, लेकिन ये इंसिडेंट हुआ ना तो मेरे मन में एक थोड़ा सा थॉट आया वो वाला भाई। फिर मैंने क्या किया, पहले तो मैं वापस रूम में आया, मेरा अपना चश्मा होता है, मैंने कहा भाई कुछ उल्टा सीधा ना देख लूँ, लौंडों को कुछ भी बता दूंगा फिर मैं, मैंने कहा भाई दिखता नहीं है ढंग से। तो मैंने चश्मा लेके आया, मैंने कहा भाई ऊपर से चढ़ के देखा जाएगा, देसी वाली टॉयलेट में गया भाई, उसके ऊपर से चढ़ के मैंने टॉयलेट के अंदर देखा भाई, अंदर से बंद कुंडी अंदर मतलब सॉरी टॉयलेट अंदर से लॉक, अंदर कोई नहीं भाई, मेरी हल्की सी सूख गई देख के। मैं वापस टाइम क्या हो रहा था उस टाइम, टाइम हो रहा था भाई 1100 की 11:30 तो विंग में कोई नहीं ना, पहली बात तो ये ना कि भाई विंग में कोई नहीं और अकेला मैं इंसान पूरा हॉस्टल में, और ये ऐसी हरकत हो रही है जिसमें कि मैं तुम्हें एक लास्ट में और एक चीज और बताऊंगा, पूरी स्टोरी सुन लो फिर बताता हूँ। अब मैंने भाई देखा हल्की सी सूख गई, मैं वापस रूम में आया, रूम में देखा ये रूम का लॉक खुला, बाद में ध्यान आया, मैंने कहा भाई ये किसने खोल दिया गेट भाई, जल्दी जल्दी मैं बंद करना ही भूल गया था रूम का गेट। वापस आया मैंने कहा अच्छा भाई मैं ही भूल गया था सर। फिर मैंने ना चश्मा वश्मा कपड़े वपड़े चेंज किए, मैंने कहा भाई नहा लेता हूँ चल के, अब नहाने गया भाई फटी पट्टी में जल्दी से नहा के आ गया भाई, मतलब मेरी मर्ती नहीं है भाई, मैं अकेला रहा हूँ इस रूम में, नहीं किया मैंने उसको देखा ही नहीं, मतलब चेक क्या करूंगा भाई, एक बार चेक कर लिया अंदर कोई नहीं, बार बार थोड़ी चेक करूंगा। तो दोबारा बंद मिल चश्मा भी मैं इसलिए पहन के गया था, मैंने कहा भाई हो सकता कुछ भी दिख जाए मेरे को अंदर, इंसान ना देखे कुछ कटा पटा दिख जाए डला हुआ, ऑब्वियस सी बात है भाई थोड़ा सा थॉट तो आएगा ना दिमाग में। तो अब मैं नहाया और जल्दी से कॉलेज भाग गया, कॉलेज में भाई लास्ट बेंच पे बैठा था मैं, आशुतोष आर्यन और नमन सेवासिया। तो मैं आशुतोष को ये स्टोरी सुना रहा, आशुतोष को
तो ये लोग बोलते अरे क्यों मजे ले रहा हमारी फालतू में, इनको ये पूरी स्टोरी सुना, ये लोग विश्वास ही नहीं कर रहे। मैंने कहा एक काम करना, अभी चलना हॉस्टल और एक बार वो टॉयलेट देख लेना तुम लोग। अब मैं भाई हॉस्टल आया, ठीक है ना, लंच वंच कर लिया, इनको मैंने पूरी स्टोरी सुना दी थी, ये लोग मजाक में थी। मैंने कहा ठीक है, मैं भी मजाक में ही था। ऑल दो मेरा हॉस्टल आया, खाना खाया, भाई वो भैया आए थे ना साफ करने वाले, रूम साफ आ गया होगा लड़का, आ गया होगा बोल भाई। एक्चुअली अभी ब्रेक हुआ है थोड़ा सा, क्योंकि नीचे ऑर्डर आ गया था, तो स्टोरी को हम कंटिन्यू करते हैं और जा रहे हैं देखने के। अभी क्या ना भाई, अकेले में देखने जाएंगे, क्योंकि मेरे को 100% विश्वास है ये विंग वाले हरामी लोग यही लोग कर रहे हैं हरकत। अगर उनके सामने देखने जाएंगे तो उनको एक टाइप का अप्रिसिएशन मिल जाएगा और बोलेंगे कि हाँ फाइनली सक्सेसफुल होगा, किसी की फट गई लिटरली। तो अकेले में देखने जाएंगे कि अभी भी गेट लगा है कि इस वाले ब्लॉग का टाइगर बैक, गगन इस बैक अगर डाल दिया ना, नहीं डाल सकते भाई। चलो भाई अब देख के आते हैं फाइनली। लेकिन सुनो, देख लो कोई खड़ा होगा तो नहीं जाएंगे फिर। पागल है क्या भाई, मैं इतना चूतिया नहीं हूँ भाई। गेट लगा पहले से तू एक ही आदमी का रोटियां स्टोरी सुनो तुम भाई। अरे भाई ये कोई लगाई भाई, पूरी उसमें लगी थी, ऐसा नहीं कुछ क्या लगी तो मैं बोल रहा हूँ। अबे वो हरामी, मैं जानता हूँ उसको, वही करे कर सकता है सिर्फ। गेट लगा भाई, मैं रात में गया 3 बजे, ठीक है ना। स्टोरी कंप्लीट नहीं हुई थी, अब कंप्लीट करता हूँ। कॉलेज पहुँचा, ये स्टोरी मैंने आशुतोष जगता, मैं पीछे बैठा था, आज की स्टोरी बता रहा हूँ मैं देखो, ये आज की कहानी जगता। आप लोग मजे ले रहे हैं, अभी ऐसा क्यों फाड़ रहा है भाई। मैंने कहा भाई को पसंद नहीं है, ठीक है, मैं सीरियसली बता रहा हूँ तुम्हें स्टोरी। भाई मैं वापस आया, खाना आना खाया, कि मैं जब आया ना खाना खाने के बाद, तो मैंने गिरौतिया को और एक भैया खड़े थे रूम साफ कर रहे थे, मैंने उन दोनों की ये स्टोरी सुनाई। उसके बाद मैं टॉयलेट देखने गया तो गेट खुल गया था, तो मैंने कहा यार ये खुल कैसे गया। वो भैया भी बोल रहे अंदर से कैसे लगा दी। मैंने कहा हो सकता है भैया साफ करने वाले आए हों, उन्होंने खोल दिया उछड़ के अंदर। टॉयलेट देखी, टॉयलेट साफ हुई थी नहीं हुई थी, गंदी पड़ी थी। मैंने कहा फिर किसने की है, इनकेस अगर कोई लौंडे का भी काम होता ना, तो भाई कॉलेज के तुरंत आने के बाद ये करता होगा। ये सब बार बार कोई नहीं करता, बार बार ये सब हरकतें हैं ना रात में ही याद आती है, बकवास करने वाली, मस्ती करने वाली। तो मैंने कहा यार हो सकता है खोल दिया हो किसी ने चढ़ के। मैं आज वापस आकर रूम में सो गया, 7 बजे उठा मैं टॉयलेट के, मैंने देखा कि मैंने कहा हो सकता है फिर से न लॉक हो।
मैं वो खुला था टॉयलेट, तो इस मैंने कॉर्नर वाली बाथरूम को देखा, ये वाला लॉक, तो मैंने कहा सकता ग्रोथ ये ना आ रहा, मैंने कहा इसके मजे लेते, मैंने एक बार नॉक किया, दो बार किया, तीन बार किया, कोई नहीं, मैंने कहा 100% लफड़ा, मैंने ऊपर से चढ़कर तुरंत देखा भाई फिर से कोई लॉक और कोई नहीं। भाई मैं बता रहा हूँ रिंग में तब भी कोई नहीं था, शाम 7:30-8 बजे की बात है, तब खाना खाने चले गए थे शायद, ये टाइम 7:30-8 का टाइम था, 8:30 का, क्योंकि रिंग में कोई नहीं था, सब खाना खाने। अब भाई फिर से मैंने मूड खोया जल्दी जल्दी और डिनर करने की सूखी सूखी में, उसके बाद मैं तुम्हें ये स्टोरी सुनाई मैंने लोगों को आके, और अभी देखा अभी भी ब्लॉक अभी चढ़ के खोल रहा है। और मैं तुम्हें इतना किसको सूझ रहा है कि जाके कूद अंदर से कूद कूद के लॉक करना। तो भाई इनकेस अगर देख टॉयलेट जो छोटी वाली होती है ना तो उसमें तो इंसान जल्दी जल्दी कूद भी जाता है, लेकिन जो वेस्टर्न वाली है ना उसमें बहुत कम स्पेस है, उसमें कूदने में भी दिक्कत होती है। डंडे डंडे से तो नहीं कर रहे थे ये सब कुछ, बहुत परफेक्टली लगी थी वो कुंडली, पता है वो उसने आज कटारे ने ऊपर से देखा ना, बोले किसी ने लगाई हुई है। और ये चीज मैंने है ना तुम्हें बता दूं, मैं काइंड इन्फो, मैंने रात में 3-4 बजे तक तो मैं सोता हूं, मैंने रात में हर कभी देखा वो कॉर्नर वाली बाथरूम जो है लगी रहती है। मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैंने हर कभी देखा भाई, मैंने हर कभी देखा, बट मैंने नोटिस आज किया क्योंकि आज मैं अकेला था, और रात में देखा सुबह तो खुली रहती हूँ। अबे चूतिया वेस्टर्न की बात कर रहा हूँ मैं, वेस्टर्न में आता है, वेस्टर्न में भी लाता हूँ भाई, वेस्टर्न में भी हर कभी देखा। और मैं भाई सच बता रहा हूँ, ये मैंने हर कभी देखा भाई, कॉर्नर वाली बंद वेस्टर्न टॉयलेट बंद रहती है भाई, मैंने एक बार नॉक किया, दो बार नॉक किया, हर बार कोई नहीं बोला, बट इतना मैंने माइंड नहीं किया कंप्लीट रजिस्टर में भाई, भाई ऐसा कि नहीं है भाई, मेरे मैं तो अकेला हूँ रूम पे, लेकिन मैं ऐसा सोता रहता हूँ, और हालांकि मैं रात में ऐसे कभी आंख खुलती तो गगन वहाँ बैठा तो नहीं है, ऐसा करके बैठ के देखते थे। और क्या भैया जी ये ज्यादा हो गया, ये डॉट्स वहाँ से कनेक्ट हुए, क्योंकि कर रहे हैं कि रूम में उसको इनहेलर दिख रहा, कुछ दिख रहा, वजह श्री राम लिख के रखा है, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, वाले क्या लफड़ा था इधर, बीजे दिन बहुत चिल्ला रहा था, हां बोल रहा था कि मेरे को बोतल के अंदर इनहेलर मिला है रूम में, और वो इनहेलर की डेट अभी की नहीं है, इनहेलर की डेट 8-1 साल पुरानी है, और पुराना इनहेलर तो ऐसा कुछ बंदे की भी बात है गगन की, तो भाई वो तो 2-3 साल 8 साल पुराना इनहेलर 5 लाख का होगा, 8 साल मैं खुद भाई अकेले रहता हूँ, मेरे को डर लगेगा ये सब सुन के। इन्होंने सीनियर से पूछा, सीनियर ने बोला था उसको प्रॉब्लम थी, वो इनहेलर यूज करता था। कौन? गगन। मैं 100% कह रहा हूँ यही है भाई, ये कल्पना ये भाई यही है भाई, यही है। अपन ने तो नहीं पूछा ही कहाँ ना आता है, इसी ने बोला कि सुबह में वहाँ ना आता हूँ, ये एलएलएम वाला आया था ना अभी, उसको रूम अलॉट हो गया था, आपको आप बताओ, आपको सुननी हो तो मैं सुनाऊंगा, मक्कल लगा के सुनाई है, जो जो इस रूम में रुका है सब कुछ ना कुछ आप देख लो सर, वैसे कोई दिक्कत नहीं, हम रह ही रहे हैं बगल में, आपको देख लो आपको सही लगेगा, कोई जरूरत तो मेरे को बोलने के लिए, अरे यार दिक्कत है फिर तो मैं नीचे जाता हूँ, एक काम करता हूँ भाई, ऐसा कोई भाई अगर नेको को बोले ऐसे अपनी फटती नहीं है, लेकिन भाई मेरी कोई बोले कि क्यों रहना है क्यों तू हा? भाई ये स्टोरी बस जो हमारे साथ एक्सपीरियंस हुआ वो सुना रहे थे हम लोग, ऐसा कोई डराने का इंटेंशन से नहीं था, या कोई देखो आगे आगे होता है क्या आगे आगे क्या होता, अपडेट मिलते रहेंगे भाई आपको, नहीं सब झूठ है व्लॉग के चक्कर में, सब कंटेंट कुछ नहीं कंटेंट होता है ना भाई, मैं 8 लौंडे बैठाता मैं यहाँ पे, फिर अगर कंटेंट होता है ना तो 8 लौंडे बैठाता और एक ये आदमी ये खुद चढ़ता है अंदर खुद जाता है व्लॉग करता है। नहीं भाई ऐसी कोई बात नहीं है यार, कंटेंट भाई एक पब्लिसिटी स्टंट था, और भाई मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू फॉर वॉचिंग, अपडेट देते रहेंगे आपको, बाय।